चौथे खेलो इंडिया टूर्नामेंट के पहले दिन महाराष्ट्र के लड़कों की कबड्डी टीम ने आंध्र प्रदेश को हरा दिया। उन्होंने हरियाणा में 19 अंकों के साथ विजयी ओपन रैंक देकर अपना हुनर दिखाया। महाराष्ट्र ने 48 अंक बनाए जबकि आंध्र प्रदेश केवल 29 अंक ही हासिल कर सका। यह मैच ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। महाराष्ट्र ने एक तरफा मैच खेला जो शुरुआत में मुश्किल लग रहा था। पहली चढ़ाई में महाराष्ट्र ने एक अंक हासिल किया। करो या मरो रेड में भी स्कोर किया। महाराष्ट्र ने शुरू से ही आक्रामक खेल कर दिखाया लेकिन फिर आंध्र प्रदेश ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई और मैच में पुनः वापसी करी। 4 के खिलाफ 5 अंकों की बढ़त ले ली। उन्होंने 4 गुना कमाकर महाराष्ट्र को ऑल आउट कर दिया तो मैच 12 अंकों से 6 तक चला गया लेकिन फिर महाराष्ट्र के खिलाड़ी उन पर काफ़ी आक्रामक हो गए। आंध्र प्रदेश ऑल आउट तो उसे 15 के मुकाबले 16 अंक मिले। 18वें मिनट में 17-17 की बराबरी हो गई लेकिन महाराष्ट्र ने पहले हाफ में 3 अंकों की बढ़त बना ली। उस समय स्कोर बोर्ड में 20 के मुकाबले 17 अंक थे। दूसरे हाफ में महाराष्ट्र और भी आक्रामक हो गया। उन्होंने चढ़ाई और रक्षा में भी सही खेला जो लगभग 8 मिनट शेष होने पर मुझे लगभग 2 गुने अंक मिल गए। स्कोर बोर्ड 40 के खिलाफ था। अंत में महाराष्ट्र ने 48 अंकों के साथ पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीता। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मौड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।